साथ छोटेपन से ही था, बचपन से। कैसे कह रहा हूं तो बचपन से था, क्योंकि ज्ञान तो नहीं था बचपन में, लेकिन फिर भी ऐसे अनुभव कुछ हुआ जो बाबा मेरे साथ साथ था। क्या हुआ, जो बचपन में 4-5 बारी मरने से बच गया, बचपन में 4-5 बारी मरने से बच गया, और वो भी वंडरफुल रीति से। आप सोचिए, जो 4 मंजिल से गिरे उसकी क्या हालत होगी। और मैं पतंग उड़ाते उड़ाते और 4 मंजिल से गिर गया, कैसे बच गया, मैं आपके सामने हूं। तो किसने बचाया, बाबा ने बचा दिया। 4 मंजिल से जो गिरे तो वो तो बच नहीं सकता वैसे, लेकिन मेरी बांह टूट गई, 3-4 घंटा बेहोश हो गया रहा वहां पर। बाद में मतलब होश में आया और देखा तो कहां पर आऊं, बिल्कुल नीचे, मतलब बच गया। अभी सारी हिस्ट्री ज्यादा नहीं बताता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा है हमारा अनुभव। दूसरी बार एक तालाब में डूब गया। हमारे शहर में एक तालाब था, वहां डूब गया और वहां कोई नहीं हो सामने, तो कैसे बच गया। आप कहेंगे ये तो हिस्ट्री जरूर सुनाओ, तो ये भी बता देता हूँ। तो कैसे वंडरफुल रीति से, हमारे गांव में एक मतलब तालाब था, गांव था मतलब छोटा सा शहर था। मैं वैसे हैदराबाद से भी नहीं निकला, कराची में भी नहीं था, लेकिन सिंध के एक बीच में नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट था, वहां हमारा एक छोटा सा शहर था। तो उसमें ये एक तालाब था। मैं उस समय सिर्फ 6-7 बरस का बच्चा था, तैरना भी नहीं जानता था। तो ऐसे ही संडे के दिन निकला घूमने और तालाब पर जाकर के पहुंचा, तो वहाँ एक अपनी पड़ोसी माता थी, वो अपना वस्त्र धुलाई कर रही थी। तो 5-6 बरस का बच्चा था मतलब वैसे ही, तो गया संडे के दिन घूमने, तो वहाँ एक पड़ोसी माता अपना वस्त्र धुलाई कर रही थी। तो उसने मुझे देखा तो बोला, स्नान किया है। मैंने कहा नहीं। तो बोला आओ आकर के स्नान करो, जानती थी वैसे भी। तो मैंने कहा मैंने तो टॉवल वगैरह कुछ नहीं लाए हैं, कैसे स्नान करूँगा। तो बोला मैं आपको टॉवल देती हूँ, आओ आकर स्नान करो। तो उनसे टॉवल लेकर के और फिर अंदर गया। वैसे हमने पहले भी स्नान किया था उस तालाब पर, लेकिन वो उस घाट से था, दूसरे घाट से। लेकिन उस दिन जो यहाँ बैठी थी तो मैं वहां से ही मतलब पर अंदर घुसा, थोड़ा ही आगे गया तो एक थोड़ा सा खड्डा था, बड़ा भी नहीं था मतलब थोड़ा सा खड्डा, उसमें स्लिप हो गया, अंदर पड़ गया। और अंदर ही अपना हाथ पाँव ऐसे ही चलाता रहा, तैरना तो जानता नहीं था। तो उस पड़ोसी माता को कुछ मालूम नहीं पड़ा, वो तो अपने वस्त्रों में ही बिजी थी। लेकिन उसी ही मिनट के अंदर एक दूसरी माता जी आई, उसको मालूम नहीं था कि मैं अंदर हूं, लेकिन वो आई और उसको तो वस्त्र धुलाई करना था वैसे, लेकिन उसने सोचा तो मैं थोड़ा ठंडा पानी मुंह में डाल करके बाद में आकर के वस्त्र धुलाई कर। तो कपड़े की गठरी अपनी थी मतलब वो रख करके और सीधी अंदर आई और वहीं आकर के पहुंची जहां मैं था। तो जैसे ही पानी उठाने के लिए कोशिश की तो मैं ठंडा पानी डालूं मुंह में, तो पानी उठाना ऐसे किया, हाथ ऐसे किया अंदर, तो मेरा हाथ उसको जो मैं जो ऐसे कर रहा था ना
फटकता था तो मेरा हाथ उसके हाथ को लग गया और मैंने पकड़ लिया। तो उसने समझा ये क्रोकोडाइल है, वागु है, उसने मुझे पकड़ लिया। तो बड़ी चीख मार करके जोर से हाथ को हटाया, जोर से हाथ हटाया। तो मैं जो अंदर था ना, तो मैं भी जैसे कि बीच पानी में ही था, मतलब ऐसे आकर के उसके पाँव में आकर के पड़ गया, उठ खड़ा हो गया। तो कहा तुम यहाँ कैसे, वो भी मुझे जानती थी। तो मैं तो बोल नहीं सका, अंदर पानी पड़ गया था पेट में, तो वॉमिटिंग कर रहा था। तो जब सारा पानी निकल गया ना पेट से, तो मैं तो बाहर निकल करके कपड़े पहन करके भाग गया। तो उस माता ने, पहली वाली माता से पूछा, तो ये कैसे आया यहाँ पर। उसने बोला क्यों क्या हुआ, उसको तो मालूम ही नहीं पड़ा। बोला ये तो डूब गया था, अगर मैं दो चार मिनट देरी से आती तो क्या हालत होती, मतलब बच गया। किसने बचाया, बाबा ने। तो ऐसे चार पांच वारी मन से बचा, मैं डिटेल सारी नहीं बताता हूँ, बहुत लंबा है। तो मेरी माताजी सुनती थी, कहती थी सचमुच तुमको तो भगवान बचाता है। दूसरी बार हुआ, बोला सचमुच तुमको तो भगवान बचाता है। फिर तीसरी बारी हुआ, फिर भी कहने लगी सचमुच तुमको तो भगवान बचाता है। इस रीति से बचना ही मुश्किल। तो मुझे भी पक्का हो गया मुझे भगवान बचाता है, मैं मरूंगा ही नहीं, भगवान बचाता है। शायद मैं बड़ा होऊंगा तो इस शरीर से शायद कार्य लेना होगा, तब मुझे बचाता है, इसलिए मरूंगा नहीं। और सचमुच बाबा मुझे बचाता बचाता, मैं देखो सिंध के बीच किसी गांव में था, छोटा सा शहर था जैसे, वहां से फिर हमारे फादर की ट्रांसफर करा दी कराची। हमारा फादर प्राइमरी टीचर था गवर्नमेंट का, उसकी ट्रांसफर हो गई कराची में, और हमारी स्टडी भी जो है ना वो वहीं चालू हो गई। और जब मैं इंटर साइंस पढ़ रहा था, कॉलेज का दो दर्जा समझो, तो ये इंस्टीट्यूशन भी कराची में आ गई, हैदराबाद से कराची में आ गई। मैं तो कहूँगा मेरे लिए यही, नहीं तो मैं कैसे हैदराबाद में जाता और ज्ञान सुनता। लेकिन कराची में आ गई तो सोचा इन्हों का अखबारों में बहुत कुछ पढ़ता है, अगेंस्ट पढ़ते थे बहुत कुछ, सारे पेपर्स में सिंध के पेपर्स में एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत उल्टी सुल्टी बातें डाल दी थी। तो बहुत पढ़ा था, तो सोचा रूबरू जाकर देखूं आखिर भी ये इंस्टीट्यूशन क्या है और क्यों ऐसे मतलब अगेंस्ट डालते हैं इतना, और गवर्नमेंट भी उन्हों को बंद तो नहीं करती, कारण क्या। तो अच्छा मैं जाकर के देखूं। तो वहां गया देखने के लिए, और वहां जाने के लिए पहले पत्र लिखना पड़ता है, तो मैं आने चाहता हूं, और उसका रेस्पॉन्स करते हैं तो इस दिन आप आ सकते हो फलाने टाइम पर, क्योंकि बहुत जाते थे, हर एक का टाइम अपॉइंट करते थे। तो मैंने भी ऐसे किया, टाइम मिला और उस टाइम पर गया। पहले दिन सुना आत्मा का लेसन, फिर दूसरे दिन परमात्मा क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब ज्ञान दिया। अच्छा लगने लगा तो मैंने चालू कर दिया, एक हफ्ते का पूरा कोर्स ले लिया। एक हफ्ते के बाद फिर एक परमिट मिलती थी, अभी आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते, तो वो रेगुलर क्लास में आने लगा। ऐसे चलता रहा और देखा यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल, और समझा तो जो कुछ अगेंस्ट बातें पेपर्स में थी वो 100% रॉन्ग, और यहाँ तो कन्याएं माताएं कितनी पवित्र दृष्टि वाली,
उनके लिए ये ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। और बाबा को भी देख लिया था, बाबा भी जब ही आते थे ज्ञान पहले बाबा नहीं सुनाते थे, पहले बाबा उनको लिख करके भेजते थे पैंट्स, फिर वो बहनें पढ़ करके अच्छी तरह से बुद्धि में रख करके फिर अपने रीति से क्लास कराती थी उन पैंट्स के ऊपर। लेकिन बाबा को आते हुए एक बार देख लिया था और समझा ये तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी, उनके नैनों चैनों से दिखाई पड़ता था, एक न्यारा लग रहा था, तो इसके लिए ऐसी ऐसी बातें करते, समझा ये बिल्कुल रॉन्ग है, कोई और अपना उनका स्वार्थ है। तो चलता रहा, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी सुना था, तो समझा उनको फिर अच्छा ना लगेगा, तो ये क्यों जाता है वहाँ पर, तो नहीं बताया मतलब। फिर जब ये 2-3 मास हो गए तो मैंने सोचा उनको बताना चाहिए, तो उनको मैंने कहा तो मैं यहाँ जाता हूँ और आप भी चलो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़रूर चलो। उन्होंने कहा नहीं, सारी सिद्धनों के खिलाफ हैं, आप भी क्यों जाते हो, आपको भी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा आपका मेरे में फेथ है? बोला हाँ। आप, हम जानते हैं आप ऐसी कोई संस्था में नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा देखो मैं अगर कहता हूँ तो हम मानेंगे? बोला क्या आप बताओ पहले। मैंने कहा मैं आपको कहता हूँ जो कुछ आपने पेपर में पढ़ा है वो 100% रॉन्ग है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान देती है जिससे अपनी अंदर की शांति मिलती है, मैं इसीलिए जाता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, तो आप चलो अपने आँखों से देखो और कानों से सुनो तो आपको मालूम पड़े। लेकिन लोकल लाज समझो तो लोग क्या कहेंगे, तो कहा हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने बात को छोड़ दिया, मैं तो चलता रहा ज्ञान में। फिर 1-2 मास के बाद फिर उनको जा करके कहा, मैंने कहा आप चलो बहुत अच्छा है ज़रूर चलो, लेकिन फिर भी नहीं माना, मैंने बात को छोड़ दिया। फिर मैंने 2-3 मास के बाद फिर उनको कहा, फिर भी नहीं माना। फिर मैंने उनको कहा देखो एक जैसे कि वार्निंग के रूप में दे दिया, वैसे तो मैं मेजर था, मुझे क्या रोक सकते हैं। तो मैंने उनको कहा देखिए मैं प्रभु का बन चुका हूँ और आप हो माया अथवा संसार के तरफ, तो माया और प्रभु इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अगर आप नहीं चलते हैं, ये ज्ञान नहीं लेते हैं, तो ये आप पक्का समझना किसी न किसी दिन मैं प्रभु के तरफ चले जाऊँ, आपसे अलग हो जाऊँ। बोला ये कैसे हो सकता है, इतना आपको पढ़ाया किया, इतनी पालना की, अभी तो आपका फर्ज है हमारी संभाल करना, हमारी पालना करना, और आपका तो हम छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा मैं कहाँ कहता हूँ तो नहीं आपकी पालना करूँ, आप अगर समझो ज्ञान लेते हैं तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ और यहाँ कमाई करके मैं आपकी पालना करूँगा, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्ञान लेकर के आकर यहाँ बैठ जाना, मैं कमाई करके आपको खिलाऊंगा बस, और आप कुछ नहीं करना। तो भी नहीं माना, बोला मैं, हम तो वहाँ पाँव ही नहीं रखेंगे। ठीक है आपकी मर्जी। फिर यही क्रिसमस के दिन थे, छुट्टियाँ थी, तो वहाँ हम 2-3 भाई थे, हम रोज़ शाम को वहाँ लिटरेचर की सेवा भी करते थे वहाँ जा कर के ओम मंडी में। तो दो ने सोचा, भाई बाहर के मतलब थे, हमारे भाई लौकिक नहीं, मतलब बाहर से आने वाले, तो दो भाई ने मतलब मैं और दूसरा भाई, उन्होंने सोचा तो हम जा कर के अंदर अभी रहें, सरेंडर हो जाएं।
तो मामा को जाकर के कहा, मामा हम अंदर आने चाहते, सरेंडर होने चाहते। तो हमारे सरकमस्टेंसेस सब पूछ करके मामा ने छुट्टी दे दी थी और कहा तो फलाने बंगलों में जा करके रहना, जहाँ और गोप और भाई जो है ना वो भी रहते थे। तो मैंने अपने माताजी और पिताजी को कहा मैं कल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने तो आपको पहले ही कहा था तो मैं चला जाऊँगा किसी न किसी दिन। तो रोने लगे, कहा ऐसे कैसे, मतलब आप ऐसे ही छोड़ के जाएंगे? मैंने कहा अभी भी आप कहो, आप चलो वहाँ, ज्ञान सुनो, देखो करो, तो मैं अभी भी आपके साथ रह करके यहाँ रहूँगा, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कमाई करके दे दूंगा, मैं आपके साथ अभी भी रह सकता हूँ, क्योंकि आप भी प्रभु के मैं भी प्रभु का, तो दोनों इकट्ठे रह सकते और यहीं बैठ करके ज्ञान सुनते रहेंगे। लेकिन वो कहने लगे नहीं, हम तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने कहा फिर ठीक है, आप यहाँ भले बैठो, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं दूसरे दिन चला गया। तो उन्होंने क्या किया, जब जा रहा था तो हमारे जो कपड़े थे ना वो किसी पेटी में ताला लगा करके बंद करके रख दिया, तो ये कपड़ों के सवाय कैसे जाएगा। लेकिन मुझे तो जाना ही था, तो मुझे याद था, तो धोबी को वस्त्र दिए हैं, एक वगा दिए, तो एक वगाई में लेकर के और चला जाता, तो वो लेकर के और चला गया। फिर वहां समझो रोज धुलाई करता था, एक वगा धुलाई करूं और एक वगा पहन, फिर दूसरे दिन दूसरा, इस रीति से मत अब चलाता रहा। फिर 10-15 दिन के बाद मुझे तो साइकिल थी वैसे, तो साइकिल लेकर के चला गया था। तो फिर मैं आया उनके पास, मैंने कहा अभी भी सोचो, अभी भी अगर चलो तो मैं आपके साथ रह सकता, फिर भी नहीं माना। और जो वस्त्र थे ना वो भी मुझे, वो जो बंद करके रखे थे ना वो भी दे दिया, बोला क्या करेंगे, हमारे लिए तो तुम जैसे के चले ही गए, तो फिर उनका मैं वस्त्र भी रख करके क्या करूं, तो दे दिया वस्त्र। फिर भी मैंने अपनी फर्ज अदाई की, 3 मास के बाद फिर भी उन्हों के पास आया। तो अभी भी सोचो, मैं लास्ट टाइम पर अभी बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भी आ सकता हूँ। फिर भी कहा हम तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाए। मैंने कहा फिर अभी मैं अभी हमेश के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी फर्ज अदाई की पिछाड़ी तक। फिर वहां जब भी मैं गया तो अभी मेरा बाबा के साथ का कनेक्शन होता, सुना ना कि तो बाबा हमारे साथ हैं, तो शुरू से छोटे पन से लेकर के बाबा कैसे मेरे साथ था। तो यहाँ भी जब पहुंचा तो वहां भी हमारा जैसे बाबा के साथ का कनेक्शन शुरू हो गया। क्या था, जिस बंगलों में जाकर रहे तो वहाँ एक माताजी, वहाँ परिवार रहते थे थोड़े, तो एक माताजी सुबह का गर्म पानी स्नान का वो गर्म करती थी, तो वो पानी थोड़ा देरी से मिल रहा था, ठीक टाइम पर नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, तो क्यों नहीं ये ड्यूटी अपने ऊपर मैं उठा लूं। तो उस माताजी को कहा, माताजी आप निश्चिंत रहें, ये ड्यूटी मैं कर लूँगा, मैं गर्म पानी कर लूँगा। तो वो ड्यूटी उठा ली। तो ये बाबा को मालूम पड़ गया, बाबा ने मुझे बुलाया, बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा बाबा 4 बजे उठता हूँ। उस समय क्या करते हो? ये गर्म पानी की ड्यूटी उठाई है, वो गर्म पानी करता हूँ। बोला अच्छा, मैं एक ड्यूटी दे दूँ? मैंने कहा हाँ बाबा दे दीजिए। तो बोला वो गर्म पानी की ड्यूटी पूरी करके फिर आप सीनियर सिस्टर्स के बंगलों पर जाना और वहाँ से साइकिल पर
दो बड़े डब्बे लेकर के और सदर बाजार में जाना, वहां से मिल्क क्रीम 80 पाउंड ले आना। मैंने कहा हाँ बाबा ले आऊंगा। तो वो ड्यूटी शुरू कर ली और बाबा हमारी रिपोर्ट फोन पर सीनियर सिस्टर से पूछता रहा, ये बच्चा आता है, ठीक टाइम पर आता है, चीज अच्छी लाता है और बहनों से बातचीत करने का वातावरण क्या है। रिपोर्ट अच्छी मिली तो फिर मुझे 10-15 दिन के बाद फिर बुलाया, बोला दूसरी ड्यूटी भी दे दूं? मैंने कहा हाँ बाबा दे दीजिए। तो बोला वो ड्यूटी पूरी करके मिल्क क्रीम की, फिर वहाँ से ही होलसेल सब्जी मार्केट में जाना और वहाँ से सब्जियाँ खरीद करके और ले आना, और वो भी वहाँ ही पहुँचा देना सीनियर सिस्टर्स के बंगलों पर। मैंने कहा हाँ बाबा ले आऊँगा। तो वो ड्यूटी भी पूरी करता रहा और बाबा हमारी रिपोर्ट फिर भी बहनों से पूछता रहा, रिपोर्ट अच्छी मिली। तो थोड़े दिनों के बाद फिर मुझे बुलाया, बोला तीसरी ड्यूटी भी दे दूं? मैंने कहा हाँ बाबा, मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहा। तो ऐसे बाबा ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्यूटीज देता रहा और मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहा। मैं ओवर बिजी हो गया, रोज समझो मुझे 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा तक भी कार्यरत, दिन में नींद नहीं करता था। सुबह से लेकर के समझो सुबह की ड्यूटी, गर्म पानी की भी ड्यूटी, तो समझो 4 बजे से लेकर के बीच में तो मतलब खाना वगैरह इधर खाना खाना वो बात एक अलग है, मतलब 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक बिजी रहता था, लेकिन कभी ना नहीं की। तो बाबा का भी जैसे कि मेरे में फैथ पड़ गया, तो इस बच्चे को जो कुछ कहता हूँ कभी ना नहीं करता, और मैंने भी कभी ये ड्यूटीज पहले की नहीं थी, घर में अपना हाथ भी नहीं लगाता था मतलब किसी कार्य में, सिर्फ पढ़ाई पर। और फिर घर में जब आता था तो किताब वगैरह ऐसे ही मतलब अपने छोड़ करके और खेल का सामान ले करके अपने दोस्तों के साथ जा करके खेलता था, सारा दिन बाहर, घर का कार्य कभी नहीं किया। लेकिन यहाँ मुझे जो निश्चय पड़ गया था, कौन मुझे कह रहा है, परमात्मा अगर समझो कुछ कार्य कहे और उसको मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता। और परमात्मा जो कुछ कहता है वो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ मुझे अंगुली रखनी है, बस आप पे ही वो मदद करेगा, आप पे ही मुझे समझो वो सिखाएगा भी, मदद भी करेगा, सब कुछ करेगा, मुझे ना नहीं कर। तो कोई भी कार्य में मैंने ना नहीं की, ऐसे कई ड्यूटीज मिली, क्योंकि बाबा का जो फेथ पड़ गया था ना, तो इस बच्चे को जो कुछ कहता हूँ कभी ना नहीं करता और अपने बुद्धि के अनुसार बिल्कुल ठीक करता है। तो जो भी जरूरी कार्य होता था मुझे ही बुला के कहता था, बच्चू ये तुम कर लेना, फिर बाबा निश्चिंत हो जाता था। ऐसे ही कुछ ड्यूटीज आपको बता देता हूँ। अब वहाँ बाबा के बंगलों पर पुलिसमैन रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि हंगामे बहुत थे, बहुत कुछ अगेंस्ट थे, सारी सिंध अगेंस्ट थी, तो पुलिसमैन रखने की ज़रूरत पड़ी बाबा के बंगलों। तो बाबा ने बाऊ विश्वकिशोर को जानते होंगे, वो इस तरफ खड़ा है, ये तीन खड़े हैं ना, उसमें ये इस तरफ वाला चश्मे वाला ये बाबा का भतीजा है, उसने भी शरीर छोड़ा बाबा के 1 बरस पहले 1968 में शरीर छोड़ा, February 12, 1968 ये बाऊ विश्वकिशोर ने शरीर छोड़ा।
तो बाबा का जैसे कि ये भी राइट हैंड था, मतलब जो कुछ कार्य बाहर का पड़ता था तो इसको बुला करके कहते थे ये कार्य करके आओ। तो इसको बुलाया, बोला ये बाबा के बंगलों के लिए एक पुलिसमैन बना करके ले आओ। तो बहु विश्व किशोर ने कहा बाबा पुलिसमैन तो अपना भाई होना चाहिए कोई, क्योंकि बाहर वालों के ऊपर कैसे फेथ रखें, सभी अगेंस्ट हैं। तो बोला हाँ इसको ले जाओ मेरे लिए, इसको ले जाओ, इसको पुलिसमैन बना करके ले आओ। तो हम दोनों गए पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के पास। तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को कहा बहू ने हमको एक पुलिसमैन चाहिए। बोला हाँ हमारे पास बहुत बैठे हैं, उनको पुलिसमैन आपको जितने चाहिए आप दे सकते हैं। तो भाऊ ने उसको कहा तो हम बाहर वाला नहीं रख सकते, मैंने इसको लाया है, इसको पुलिसमैन बना करके दे दो। तो बोला ये कैसे हो सकता है, पुलिसमैन जो होता है वो कम से कम एक बरस ट्रेनिंग लेता है, पुलिस की ट्रेनिंग लेता है, फिर बाद में उसका रजिस्टर में नाम आता है उसको ही हम पुलिसमैन कहते हैं और उसको हम दे सकते। फिर बाबू ने उसको समझाया तो देखिए साहब आप तो जानते हैं सारी सिंध हमारे अगेंस्ट है, हम बाहर वालों के ऊपर कैसे फेथ रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको लाया है, तो इसको आप पुलिसमैन बना करके दे दो। तो पुलिस वो सुप्रिंटेंडेंट जो था वो बेचारा अच्छा आदमी था और सुनते तो हैं सारी सिंध बरोबरनों के अगेंस्ट हैं, तो उसने कहा हाँ हम जानते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे कहा आओ आपका नाम रजिस्टर में डाल देता। तो हमारा रजिस्टर में नाम डाल दिया और मैं पुलिसमैन बन गया और मुझे पुलिस की ड्रेस वगैरह सब जो भी है वो निकाल करके देने लगा। तो भाऊ ने उसको कहा देखिए साहब हम यूज्ड ड्रेस जो है ना नहीं पहनते। तो उसने नई ड्रेस वगैरह सब निकाल करके दे दिया, ड्रेस भी नहीं, लाठी भी नहीं, बूट जोराब वगैरह जो कुछ चाहिए ना सब नया निकाल करके दे दिया। फिर जो पुलिस का ये पटका होता है ना, पगड़ी होती है, तो वो निकालने लगा। तो भाऊ ने कहा तो इस देने की जरूरत नहीं है, हम उसको हैट दे देंगे, हैट पहन करके बैठ जाएगा। वो भी मान गया। तो ठीक है हम पुलिसमैन बन करके आ गए घर में, और जो कंपाउंड था बाबा के बंगलों का कंपाउंड था वहाँ पर टेबल और कुर्सी रख करके और अपना ड्रेस पहन करके पुलिसमैन की बैठा रहा और अपना लिटरेचर का कार्य जो करता था पहले वो भी करता रहा, डबल ड्यूटी बन गई। और मेरा रहने का प्रबंध भी जो है ना बाबा के बंगलों पर कर लिया, जो गैरेज थी मोटा गैरेज उसके ऊपर एक कमरा था तो उस कमरे में रहने लगा और वहाँ ये ड्यूटी भी संभालता रहा, ऐसे चलता रहा। तो एक बार ये भोली दादी है ना, तो एक बार जहाँ मैं ये ड्यूटी कर रहा था ये पुलिसमैन की, तो एक बार ये भोली दादी जो है उसका लौकिक पति जो था वो आया था। क्या हुआ जो भोली दादी बीच में जब आई थी वहाँ पर, तो ये उसकी छोटी बच्ची जो थी उस समय मीरा बहन उसको लेकर आई थी वहाँ पर पति को छोड़ कर। तो बाबा ने उसको अंदर नहीं रहाया था, अलग एक मतलब फ्लैट लेकर के वहाँ बाहर में रहाया था। और उस पति ने कहा, उसके पति ने, तो ये ऐसे भाग करके गई है और ये ओम मंडी में गई है। तो उसने केस जाकर के दाखिल किया। तो एक बंगलों पर आकर के पहुंचा और मैं कंपाउंड में बैठा था, यहाँ जब गेट पर आते हुए देखा उनको पुलिस चार पांच छह पुलिस वाले भी थे, तो मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगे
बाबा के लिए ये वारंट है। मैंने कहा अच्छा आप यहाँ खड़े रहो, मैं ऊपर जाता हूँ उनको जाकर के बताता हूँ। मैं ऊपर गया, बाबा को बताया तो बाबा ने कहा आप उनों को थोड़ा धीरे से मतलब कह दो, थोड़ा आप ठहरो, मतलब थोड़ा ठहराओ रमज से। बाबा ने पहले ही भाऊ विश्व किशोर को भेजा था वहाँ, बाबा को मालूम पड़ गया था तो ये मतलब गए हैं वहाँ पर, तो बाबा ने भाऊ को भेजा था जाकर के स्टे ऑर्डर ले आओ। तो बोला बाबा ने मुझे सुनाया तो जब तक वो आवे ना तब तक थोड़ा रमज से मतनों को ठहराते रहना। तो मैं आया नीचे, मैंने कहा बाबा को बताया और बाबा हाँ तैयारी कर रहा है मतलब आ जाएंगे। तो ऐसे आधा घंटा गुजर गया, वो कहने लगे अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो मैंने उनको कहा उस समय तो मतलब खाने की तैयारी थी, अभी खाना खा लिया होगा, अभी तैयारी करता होगा, अभी आ जाएंगे। ऐसे ही मतलब टाइम पास होता क्या, और वो भी मतलब सोचने लगे अभी तक नहीं हो रहा है, क्या बात है। इतने में भाऊ विश्व किशोर आ गया और उन्होंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा वारंट भेजा है मतलब बाबा को चलना है वह। तो भाऊ विश्व किशोर ने स्टे ऑर्डर ले करके निकाल करके उन्होंने हाथ में दे दिया। वो तो हैरान हो गए, वो मेरे को देख करके गुस्सा कर रहे थे, तो ये क्या है मतलब इसने बहुत हमको ठहरा दिया, नहीं तो हम इसको लेकर भी जाते। फिर तो दूसरे दिन पेपर में भी आ गया, तो वहाँ जो एक पुलिसमैन खड़ा था ना वो बड़ा होस्टाइल था, जो इनों को भी ठहरा दिया वहाँ वारंट लेकर के गए। मतलब ये एक पहरे पर ये अनुभव हुआ। खैर एक बरस के बाद ये भी ड्यूटी पूरी हो गई, फिर बाद में तो समझो कोई हंगामे वगैरह की बात ही नहीं थी, मतलब बातें सब ठीक हो गई थी। फिर ड्यूटी बदलती गई, कई प्रकार की बढ़ती गई। फिर छोटे जो बच्चे थे उसका टीचर भी बना, समझा, दोनों पढ़ाई कराते थे उन्हों को। उसके बाद ये झाड़ आपने देखा है, ये झाड़ अभी झाड़ कैसे पेंट हुआ अभी इसकी हिस्ट्री सुनाता हूँ। ये ड्यूटी हमको अव्यक्त बाबा से मिली। कैसे, उन दिनों में बाबा रोज क्लास में वहाँ बड़े बंगलो में, ये सीनियर सिस्टर्स के बंगलो पर आकर क्लास कराता था और फिर चला जाता था क्लास करा करके। और भी बंगलोस वैसे 5-6 थे, तो वहाँ से भी मतलब वहाँ पर आकर क्लास करके चले जाते थे। तो एक दिन साकार बाबा आए वहाँ आकर के क्लास कराने के लिए। संतली पर बैठते ही कहा आज मैं सूखे वतन से होकर आया हूँ, और वहाँ बाबा ने हमको एक सुंदर झाड़ दिखाया। साकार बाबा को अव्यक्त बाबा ने एक सुंदर झाड़ दिखाया और वह मनुष्यों का झाड़ था। और बाबा ने कहा है कि विश्वरतन को कह दो ये झाड़ बना देवे, इसकी डिजाइन बना देवे। तो मुझे उसी समय ही पूछा, मैं थोड़ा पीछे बैठा था, कैसे विश्वरतन इसकी डिजाइन बनाएंगे। मैंने कहा हाँ बाबा बना दूंगा, ना तो करता ही नहीं था, क्योंकि ये सोचा कौन कहता है, बाबा अगर मुझे कोई कार्य कहता है मैं ना कैसे करूं, मुझे हाँ जी करनी ही है, जानता हूं या नहीं जानता हूं बाबा आप ही मतलब करवाएगा। और इतनी सभा में अगर बाबा मुझे किसी कार्य के लिए सिलेक्ट करता है और मैं कैसे ना कर सकता, जरूर ये कार्य मेरे से ही होने वाला होगा, तब तो मुझे कहता है, नहीं तो और किसी को क्यों नहीं कहा, तो कभी ना नहीं। और बाबा ने फिर मामा जी को भी कहा, मामा हमेशा दूसरी संतली पर बैठती थी, एक तरफ बाबा बैठता था संतली पर, दूसरी तरफ मामा बैठती थी।
तो मामा को कहा, मामा विश्वरतन से सभी ड्यूटीज छुड़वा दो, मेरे पास तो बहुत ड्यूटीज होती थी ना, सारा दिन बिजी था। तो बोला, इनसे सब ड्यूटीज छुड़वा करके और जो भाई लोग हैं उनको बांट करके दे दो, आज से इसको यही कार्य करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है। तो मामा ने भी कहा, हाँ हाँ बाबा। बस क्लास पूरे होने के बाद मामा ने मुझे बुलाया और जो भी ड्यूटीज वगैरह थी वो मेरे से छुड़वा करके और भाइयों को दे दी। बस उस दिन से लेकर के फिर ये कार्य शुरू हो गया और मामा ने मुझे वहाँ ही सीनियर सिस्टर के बंगलों पर ही एक आउट हाउस दे दिया। टेबल, कुर्सी, कागज़, पेंसिल वगैरह जो कुछ चाहते था वो सब दे दिया। अब सोचने लगा मुझे झाड़ बनाना है, कैसे बनाऊं? अब झाड़ है उसमें कोई डार टेढ़ा होगा, कोई पीछे से होगा और आगे से तो पत्ते वगैरह आ जाएंगे, मुझे तो लिखत लिखनी पड़ेगी, ये इस्लाम का, इब्राहिम का, इस्लाम धर्म, बौद्ध का, बौद्धि धर्म, ये लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। कैसे लिखूंगा? डार पीछे होगा, आगे से तो पत्ते आ जाएंगे। फिर सोचा, अच्छा ठीक है, जहाँ डार होगा ना वहाँ पत्ते नहीं लगाऊंगा, पत्ते नीचे और ऊपर से लगा दूंगा, डार के जगह पर जगह छोड़ दूंगा और वहाँ लिख दूंगा। ऐसे सोच करके अभी शुरू किया, एक लाइन लगाई, ये धरनी है, ऐसे दो लाइन लगाई, स्पेस छोटी फिर स्पेस बड़ी, दो लाइन लगाई सीधी, ये तन्ना है, फिर उसके चार भाग किए, ये चार युग हैं। तो दो युग के बाद है दूसरा धर्म आता है, तो दो पोर्शन छोड़ करके फिर वहाँ ऐसे तार बनाया, उसकी भी आधे के बाद फ्रिक्शंस करके ऐसे मतलब डार बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया इब्राहिम का इस्लाम धर्म। अब सोचा दूसरा धर्म डार इस तरफ आना चाहिए, नहीं तो अगर वो भी इस तरफ निकालूंगा तो बैलेंस नहीं रहेगा, डार झाड़ी गिर जाएगा, तो दूसरा इस तरफ बना। तो दूसरा इस तरफ बना करके डार उस पर लिख दिया बौद्ध का, बौद्धि धर्म। अब सोचने लगा, लेफ्ट यानि वेस्ट, राइट यानि ईस्ट, बरोबर वेस्ट के तरफ से ये अब्राहम है और फिर राइट के तरफ ये बौद्ध है, बौद्ध का बौद्धि धर्म, फिर लेफ्ट के तरफ बनाऊं बरोबर बौद्ध, ये क्राइस्ट का धर्म आता है, जैसे बाबा ने ज्ञान दिया था ना वैसे ही नंबर वार आते रहे, फिर क्राइस्ट का बनाया, फिर इस तरफ से सन्यास धर्म बना दिया, फिर मोमन साहब का बना दिया लेफ्ट के तरफ, फिर राइट के तरफ गुरु नानक साहब का सिख धर्म। तो वेस्ट ईस्ट नंबर वार आते रहे, बिल्कुल जैसे बाबा ने ज्ञान पहले दिया था, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया था ये, तो सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा ऊपर में है, उन द्वारा ये तना निकलता है देवी देवताओं का, फिर ये चार धर्म निकलते हैं। तो सरिति से सारा ज्ञान पहले दिया था, चार मुख्य धर्म और बाकी टहनियाँ छोटी 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 ये वो छोटी छोटी ये बना दी। जब ऐसे बना दिया फिर मैंने ऐसे गोल लाइन लगाई और उसके बीच में पत्ते जड़ दिए, चारों तरफ से पत्ते जड़ दिए, तो एक बड़ा जैसे झाड़ लग रहा था मोटा सा, दो युग ऊंचा यानि धरनी से इतना ऊंचा और इतना मोटा सा झाड़ बन गया जैसे। तो ले आया बाबा के पास, पेंसिल वर्क की बाबा के पास ले आया। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, बाबा डार जो है ना वो सीधे ही बना दिए हैं इस रीति से और पत्ते उसके नीचे ऊपर लगा दिए, तो लिखना था इसीलिए। बोला, हाँ ठीक है, समझाने के लिए ऐसे ही होना चाहिए। बाबा को पसंद आ गया तो बाकी क्या चाहिए। तो अब बाबा की बुद्धि चलने लगी। बाबा ने कहा, देखो चार युग तो बनाया, पांचवा युग कहाँ, संगम युग,
मैंने कहा बाबा अभी बना करके ले आता। फिर गया, फिर नीचे से जो स्पेस है वहाँ स्पेस छोड़ करके और शाखाएं बना दी धनी की, जैसे कि ये संगम युग है, ऐसे बना करके फिर बाबा के पास ले आया। बोला हाँ ठीक है। फिर मुझे कहा यहाँ ब्रह्मा बाबा को रख दो, संगम युग पर ब्रह्मा बाबा को रख दो तो ब्रह्मा के थ्रू ये तना स्थापन होता। मैंने कहा हाँ बाबा अभी बना करके ले आता। तो गया और ब्रह्मा बाबा का फोटो ले करके और पेंसिल वर्क की बना करके और फिर बाबा के पास ले आया। बोला हाँ ठीक है। परंतु बाबा की जो बुद्धि चल रही थी ना, तो कहा ब्रह्मा के साथ हमारा तो देखो प्रवृत्ति मार गए, तो ममा भी चाहिए उनके साथ में। मैंने कहा हाँ बाबा अभी बना करके ले आता। तो गया बाबा का जो चित्र था ना उसको थोड़ा रब करके फिर थोड़ा दोनों को वहाँ बना करके और फिर ले आया। बोला ठीक है। फिर बाबा सोचने लगा, कहा मम्मा और बाबा कहने वाले कौन, बच्चे भी तो चाहिए। तो कहा मैंने कहा हाँ बाबा बच्चे तो बनाऊं, बच्चे तो बहुत है, यहाँ कितने बिठाऊंगा। बोला देखो बच्चू एक आठ की माला गाई हुई है, तो आठ यहाँ रख दो, चार इस तरफ और चार इस तरफ, वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा हाँ बाबा ठीक है। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा आठ के आप नाम बता दीजिए तो मैं उन्हों के यहाँ चित्र बना करके फोटोस लगा करके लग। बोला हाँ ये बात अब तुम्हारी ठीक है, आज नहीं कल बताऊंगा। फिर बाबा ने संकरी बहन को बुलाया, वो हमेशा ध्यान में जाती थी, उसको कहा जाओ बाबा के पास, अव्यक्त बाबा के पास, और उसको कहो तो यहाँ ये झाड़ बन रहा है और यहाँ आठ बच्चों के फोटोस बनाने हैं, तो उसके नाम बता दो तो उसके यहाँ फिर फोटोस लेकर के लगा दें। तो वो गई बाबा के पास और आठ नाम लेकर के फिर आई, आकर बाबा को सुनाया और बाबा ने नेक्स्ट डे मुझे ये बताया तो ये आठ नाम है आप भले लगा दो, वो तो आप देख रहे हैं तो कौन से नाम है मालूम भी होगा, सभी ने पूछा होगा। तो मैंने वो फोटोस लेकर के और लगवा दिए। मालूम नहीं है क्या बड़ी दीदी मनमानी इस तरफ, हाँ, और ये ब्रजेंद्रा दादी जिसने भी शरीर छोड़ा, हाँ, और यहाँ शांतामणि और ये भाव, और उस तरफ ये प्रकाशमणि दादी और ध्यानी दादी, ऊपर ध्यानी दादी, हाँ वो भी छोड़ा है, और ये विजय शांता तीसरी और चौथा मेरा ही है। तो ये आठ नामा नाम जो है ना वो, तो ये समझो लगा दिया। मतलब क्या है, रोज कुछ ना कुछ करेशन बाबा बता रहा था, तो ये बनाओ इसमें, ये भी डालो, ये भी डालो। फिर कहा तो ये चतुर्भुज बनाओ, फिर कहा तो जैसे दो पत्ते निकलते हैं ना मतलब झाड़ में पहले, तो ये राधे कृष्ण बनाओ, और फिर कहा ये गोल्डन एज बनाओ, गोल्डन महल बनाओ, और फिर सिल्वर एज बनाओ मतलब वहाँ पर सीताराम को बिठाओ, उसके बाद ये पुजारी जो होते हैं ना पूजा के स्थान वगैरह, ये शिवलिंग की पूजा और फिर देवताओं की पूजा और फिर झाड़ की भी पूजा होती है, तो ये पूजा के चित्र बनाओ, और फिर कहा ये डिवाइन फादर्स बनाओ, तो ये चार डिवाइन फादर्स बनाए, और फिर उन्होंने मंदिर मस्जिद वगैरह गिरजा इधर उधर वो बनाए। तो जो बाबा कहे ना मैं बनाता क्या बनाता क्या बनाता क्या। फिर कहा तो ये जो फॉलोअर्स हैं जैसे फल के रूप में लटकते हैं,
तो ऐसे बनाओ, ये फल के रूप में ये फॉलोअर्स दिखाओ। तो फॉलोअर्स बनाए, तो ऐसे रीति से बनाता क्या। और अंत में कहा तो जैसे दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो मक्खन जो है ना वो कौन खा लेते हैं, तो सरिति से ये बिल्लों के रूप में मतलब ये दिखाओ। एक तरफ था रूजवेल्ट और दूसरे तरफ था स्टालिन। उस समय रूजवेल्ट और स्टालिन, तो वो बनाओ, दोनों के बाँ हाथ में दे दो, तो एक दो को लगा रहे हैं। और माखन जो है ना वो सिस्टी रूपी जो मतलब गोला, वो हाथ में कृष्ण को दिखाओ, तो वो बनाया। फिर और फिर नेचुरल कैलामिटीज कैसे कैसे आती हैं, बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, मकान गिर रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहा है वगैरह, तो नेचुरल कैलामिटीज का भी ये चित्र बनाओ। तो जो बाबा कहे मैं बनाता क्या, बुद्धि बाबा की और अंगुली हमारी चल रही थी, बस मैंने तो कुछ नहीं किया। बाबा जो कहे, जैसे कहे, जिस रीति से कहे, सब करता क्या। और झाड़ तैयार हो गया बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा अब मुझे इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, अब मुझे बहुत चित्र बना करके दे दो, मैं मिनिस्टर्स को भेजूंगा। फिर जल्दी जल्दी में कह दिया बस मुझे 10 दिन के अंदर 12 चित्र बना दो, मुझे 12 मिनिस्टर को देना है। और मैं हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता गया। बाद में सोचा तो बाबा ने कहा है 10 दिन में 12 चित्र बना दो, और मैंने हाँ की है, मुझे बनाना ज़रूर है। तो बाबा ने कहा 10 दिन में 12 चित्र बना दो, तो मैंने सोचा एक एक अगर चित्र बनाऊं तो भी कितना भी करूं तो भी 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे एक एक चित्र में, लेकिन 10 दिन में 12 चित्र बनाना कैसे बनाऊं। और मैंने हाँ की है, मुझे ज़रूर बनाना है कुछ भी हो जाए। तो गया मामा के पास, क्योंकि मामा कारोबार सारी वो ही संभालती थी। तो मामा को कहा मामा बाबा ने ये कार्य दिया है कि 10 दिन में 12 चित्र बना दो, और मैंने हाँ की है। बोला हाँ फिर बनाओ, नहीं तो तुमको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मामा हेल्प चाहिए, नहीं तो 10 दिन में तो 12 चित्र बन ही नहीं सकेगी। तो बोला भाई लोग जो है ना वो तो बहुत बिजी हैं मार्केटिंग में, क्योंकि वो थोड़े थे, वो मार्केटिंग में बहुत बिजी हैं, वो तो मदद नहीं कर पाएंगे। बाकी ये बहनें हैं वो आर्ट के कार्य से तो जानते नहीं हैं, आपको कैसे मदद करें। तो मैंने कहा मामा मुझे सिर्फ 5-6 हैंड्स दे दो, फिर मैं उनको सिखलाऊंगा भी और आप पे ही ये कार्य पूरा करवा दूंगा मदद लेकर के। तो मामा ने 5-6 हैंड्स जो है ना वो बुलाया, उनको बोला ये जो कहे ना वो उसको मदद कर दो। और एक लंबा कमरा दे दिया और उसमें 3-4 टेबल रखवा दिया। और मैंने क्या किया, वो जो टेबल थे उसके वुडन प्लैंक्स जो है ना वो निकलवा दिए और उसके ऊपर मोटा शीशा रखवा दिया। और 2 बने हुए चित्र पड़े थे तो वो 2 चित्र रखे झाड़ के, फिर उसके ऊपर ड्राइंग पेपर रखा और नीचे से टेबल लैंप जला दिया, तो वो डिज़ाइन दिखाई पड़ी। ओनों को ट्रेसिंग करना सिखा दिया, एक को कहा तुम सिर्फ लाइन लगाओ, दूसरी को कहा ये जो पत्ते हैं सिर्फ पत्ते बनाओ बस, उसमें ग्रीन कलर लगा दो। ऐसे 5-6 हैंड्स को ड्यूटीज दे दी। और जो फीचर्स थे, जो फॉलोअर्स थे और जो भी डिवाइन फादर्स वगैरह जो भी चित्र थे, वो मैंने बनाना शुरू कर लिया।
ऐसे 10 दिन के अंदर 12 चित्र बना करके पूरा किया। रोज समझो 10 घंटा 12 घंटा भी काम करते थे, परंतु 10 दिन के अंदर 12 चित्र बाबा के हाथ में दे दी। बाबा बड़ा खुश हो गया, तो इस बच्चे को जो कुछ मुख से निकला मेरा और इसने करके दिया, बहुत खुश हो गया। और फिर 12 मिनिस्टर्स को वो भेज दिया। ये तो ऐसे एक झाड़ डिपार्टमेंट जैसे कि बन गई, और भी एडिशंस होते होते मतलब कितनों को मैंने ये सिखा दिया। और झाड़ बनते ही रहे, बाबा कहे मुझे बहुत और भी चित्र चाहिए, बनते ही रहे। बाद में फिर गोले की डिजाइन बनाई, गोले के रूप में, उसकी भी हिस्ट्री है, बहुत टाइम हो गया इसके लिए, ज्यादा नहीं बताता हूँ। लेकिन कैसे ये भी बनना शुरू हुआ, क्या हुआ वो भी मतलब, तो वो बार गोले की डिजाइन बनाना शुरू कर लिया। फिर एक बार उसका भी एक बात बताता हूँ, तो एक किताब छप रहा था, किताब प्रेस में छप रहा था, और प्रेस वालों ने कहा तो एक ब्लॉक चाहिए गोले का, और वो चाहिए बटर पेपर के ऊपर, अक्षर सभी वाइट, डिजाइन वाइट, और बैकग्राउंड काला चाहिए। वो बटर पेपर के ऊपर बना करके इतनी डिजाइन दे दो, उनसे वो इतना गोला मतलब यानी डिजाइन का बनाना था, वो प्रेस में छपना था। और वो रुक रहा था मतलब यानी प्रेस का काम रुक रहा था, तो बाबा ने मुझे बुलाया, बोला ये डिजाइन बनानी है और वो सोमवार को जरूर देना जो वो काम रुक रहा है। तो मैं ना तो नहीं करता था, कहता था हाँ बाबा बना दूंगा। उसमें बाकी 3 दिन थे, अब सोचा अक्षर वाइट, डिजाइन वाइट सारी, और बैकग्राउंड काला, 3 दिन में बनाना तो बड़ा मुश्किल है, कम से कम ये 8-10 दिन लग जाएंगे, तो क्या करूं। तो फिर मामा के पास गया, मामा को कहा मामा 3 दिन में ये गोले की डिजाइन बनानी है। तो मामा ने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा हेल्प चाहिए। बोला अब आपके पास तो ये डिजाइन बनाने वाले इतने हैं, कौन चाहिए आप बताओ, नाम बताओ। तो मैंने कहा मामा गोले के ऊपर एक तरफ तो मैं बैठूंगा, दूसरी तरफ सिर्फ 2 बहनें बैठ सकती, ज्यादा नहीं बैठ सकता। तो बोला बताओ कौन आपको मदद कर सकते हैं, कौन अच्छा, इस किसका हाथ अच्छा है। तो मैंने 2 नाम बताए, एक ये लच्छू बहन, आपने देखा है ना मतलब, यहाँ लच्छू बहन देखा होगा जो भोग ले आकर के मतलब वहां पर रखती है ना, तो उसका नाम बताया क्योंकि उसका हाथ स्ट्रेट है बिल्कुल। तो एक वो और दूसरी बिरज शांता बहन बताया था ना। तो मामा ने दोनों को बुलाया, बोला इसको मदद करो। तो पहले क्या किया मैंने, एक दिन एक रात सिर्फ पेंसिल वर्क में अकेला बनाया, नींद नहीं की। फिर दूसरी 2 दिन और 2 रात और नींद नहीं बिल्कुल, यानी 3 दिन और 3 रात्रि समझो मेरी लगी, और 2 दिन 2 रात्रि वो बहने भी जागी, और चौथे दिन सुबह को 4 बजे काम पूरा किया, और फिर स्नान पानी करके आकर के क्लास में बैठ गए सोमवार को। और बाबा को याद था और समझा, तो उसने पूरा तो नहीं किया होगा, फिर भी थोड़ा पूछूंगा ना तो फिर थोड़ा जल्दी करेगा। तो कहा विश्वरतन बैठा है, मैंने कहा हाँ बाबा मैं बैठा हूँ। कहा मैंने तुमको काम दिया था वो पूरा किया, मैंने कहा हाँ बाबा पूरा हो गया। बाबा को तो शक था ये पूरा नहीं किया होगा, तो कहा पूरा हो गया, मैंने कहा हाँ बाबा पूरा हो गया। तो बोला अभी ले आओ, तो मैं उठ करके और ले आ करके बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा देखता रहा, डिजाइन तो बड़ी परफेक्ट है, बहुत अच्छा है,
और प्रेस में छपने लायक है, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन ये बताओ कि 3 दिन में तुमने कैसे पूरा किया? मैंने कहा, बाबा मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। तो बोला, तो मैंने कहा, बाबा इसमें 2 बहनें और मददगार हैं। बोला, कौन? फिर नाम बताए। फिर भी बाबा देखता रहा, सोचता रहा। बोला, आप तीनों ने भी डिजाइन ये जल्दी पूरी कर ली, अच्छी बात है। तो फिर मैंने बताया, बाबा इसमें 3 दिन 3 रात्रि मेरी लगी है और 2 दिन 2 रात्रि बहनें भी जागी हैं, नींद नहीं की। तब अभी 4 बजे सुबह को पूरा हुआ और फिर क्लास में आकर के स्नान पानी करके बैठे हुए। बोला, शाबाश। बोला, देखो इस बच्चे को जो कार्य कहा मैं मुख से निकला, इसने करके दिया। फिर इस पर सारी मुरली चलाई, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार किसको कहा जाता है, और वो कैसे बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं और वही फिर राज तख्त पर बैठते हैं, इस पर सारी मुरली चलाई। तो कहने का मतलब क्या है, मैं जो भी बाबा कहता था मैं उसको करके ही देता था, और मैं हमेशा समझता था बाबा के मुख से जो निकलता है ना वो जरूर हो सकता है, ना होने वाली चीज कभी बाबा कहेगा नहीं, हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है, हमको वो विचार करके और उस पर अगर लग जाते हैं ना, तो बाबा ही मदद करता है सचमुच। अभी झाड़ बनाना मैंने कभी ब्रश में अपने हाथ में नहीं उठाया था, लेकिन जब लग जाते हैं ना तो बाबा ही बुद्धि में बिठाते जाते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करते 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 निकल जाते हैं बस। तो इस रीति से जो भी मैं पुरुषार्थ अभी भी करता हूँ, तो बाबा को हमेशा साथ रखते हुए कैसे करता हूँ वो कभी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो टाइम बहुत हो गया है ना, अभी अगर पुरुषार्थ की बातें ये आजकल की बताऊं तो 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। इस रीति से इस लिए फिर कभी टाइम मिलेगा तो ये मैं बता दूंगा। और है बिल्कुल सहज, मैं आपको बताऊं, नंबर 1 में आ सकते हो, नंबर 1 माना फर्स्ट डिवीजन 108 की माला। कोई भी अगर सचमुच बाबा के आज्ञा पर चलता है, और किस रीति से वो आज्ञा पर चले वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, तो कोई भी नंबर 1 में आ सकता है, बिल्कुल सहज है। इसीलिए बाबा भी कई बार कहते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट यानी आज का स्टूडेंट फास्ट जा सकता है और नंबर 1 में आ सकता है। सिर्फ बुद्धि का काम है, हिम्मत रख करके और दृढ़ संकल्प रख करके अगर कुछ कोई बाबा को साथ रखता हुआ चलता है, बाबा ही आपको मदद देता रहेगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कैसे, क्या तरीका है, किस रीति से करना है, वो एक सिंपल तरीका आपको बता दूंगा। अगर उस पर कोई चले तो नंबर 1 में आ सकता है, 108 की माला में आ सकता है। और वास्तव में तो आप देखें, समय भी थोड़ा करके पहुंचा है, वो भी आपको बताऊंगा थोड़ा पीछे कभी। तो उस पर अगर पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि हटा करके एक बाप के तरफ बुद्धि लगाएंगे, तो बाप ही आपके बुद्धि में सब वरदान बढ़ता रहेगा और बाबा के दिल तक में बैठ करके राज तक तो बैठ जाएंगे।